Joining us live now from Raligan Siddhi, he's through now, is Arvind Kejriwal's mentor, Anna Hazare. Anna ji, Kejriwal takes his biggest test in the Delhi Assembly today. As we speak, the trust vote will be happening in the Delhi Assembly. Do you think that Arvind Kejriwal will be able to prove his majority? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो अग्नि परीक्षा में सफल हो जाएंगे। सफल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अरविंद की सरकार भले ही गिर जाए तो भी उसको सफलता मिलेगी, और बच गया तो भी सफलता मिलेगी। दोनों भी बातें उनके पल्ले में है, क्योंकि जो गिराने वाले लोग हैं उनका मैसेज गलत जाएगा देश को, और आगे आने वाला चुनाव है उसमें जनता उनको सबक सिखाएगी। इसलिए अरविंद का अगर गिर जाए तो भी फायदा है, और अगर विश्वासदर्शक ठहराव पास होता फिर भी फायदा है आपको। अन्ना जी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक स्टेबल सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है दिल्ली में? अगर ये इसी प्रकार के निर्णय होते गए और पार्टी के लोग सेवा भाव से काम तय करते रहे तो स्थिर सरकार दे सकेंगे। The Aam Aadmi Party has made several promises and in fact even delivered on two of the promises. Anna ji, kya aapko lagta hai ki, do you think that the promises have been too many? Kya aapko lagta hai ki Arvind Kejriwal deliver kar sakta hai? Unhone kiye hai wo poore kar payenge wo? Jab 4 din mein do nirnay lete hai to baki nirnay lete rahenge wo. Unke samne samaj aur desh hai. Aaj jo paksha aur partiyan hai उनका मुख्य यही तो काम था, राज्य की भलाई, देश की भलाई, समाज की भलाई। आज तो हर पक्ष और पार्टी में सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे। आज अरविंद में फर्क क्या दिखाई दे रहा? सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखकर काम कर रहे हैं। ओके।